नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। फरवरी माह में एमजीएम अस्पताल नई बिल्डिंग में हो जाएंगे शिफ्ट। करोड़ों की लागत से लगाए जाएंगे हाईटेक मशीनें। आज अस्पताल की व्यवस्था देखने पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की हुई लौ नगरी में आज से शुरुआत। जिला मुख्यालय से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरायकेला खरसवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नीमडी थाना क्षेत्र में हुए लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। फरवरी माह में एमजीएम अस्पताल नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। उधर करोड़ों की लागत से अब इस अस्पताल में हाईटेक मशीनें लगवाई जाएगी ताकि मरीजों का सही इलाज हो सके। उधर अस्पताल की व्यवस्था को देखने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उधर कुलकर्णी के साथ उपायुक्त रविशंकर शुक्ला भी शामिल थे। हालांकि अस्पताल की दशा को देखकर स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि बहुत जल्द अस्पताल की दशा सुधरेगी और नई बिल्डिंग में अस्पताल शिफ्ट हो जाएगी। आपको याद दिला दें कि एमजीएम अस्पताल में नई बिल्डिंग बनकर तैयार है और फरवरी माह में नई बिल्डिंग में अस्पताल शुरू हो जाएगी। वैसे सफाई कर्मियों ने भी स्वास्थ्य सचिव के साथ मुलाकात की और अपने बकाए वेतन की मांग की। इन सफाई कर्मियों ने ऐलान किया है कि टूसू पर्व से पहले अगर वेतन नहीं मिला तो सभी सफाई कर्मचारी शीतकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो काम चल रहे हैं और सभी कामों की एजेंसीज के साथ और जो डिपार्टमेंट से उनके साथ समीक्षा की गई है ताकि ये सभी कामों को हम लोग जनवरी एंड तक या फरवरी तक कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि ये जो कुछ नई चीज़ें यहाँ शुरू करनी है शुरू हो सके। क्या है बराबर सब व्यवस्थाएं जरूर सुधरेगी। चिंता मैट्रिक्स फिक्स किया गया है और कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, कुछ लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत आज लौ नगरी जमशेदपुर में की गई। जिला मुख्यालय कार्यालय से जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2 बड़े वाहनों में बड़े बड़े LED लगे हैं जो चौक चौराहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस LED TV से सड़क सुरक्षा को लेकर शॉर्ट फिल्म भी लोगों को दिखाई जाएगी। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर इस रथ को रवाना किया जा रहा है ताकि शहर में लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और हर हाल में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि शहरवासी सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि शहर में सड़क हादसों में कमी आए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर ये जागरूकता रथ को यहाँ से रवाना किया गया है और पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष करके दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और विगत वर्षों में इसके दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है और पूर्वी सिंहभूम में सड़क सुरक्षा को लेकर के जो प्रयास किए गए उनको राज्य स्तर पर भी विभाग स्तर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से सड़क सुरक्षा सप्ताह में आम जनता की और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें ताकि जो भी यातायात नियम है उनका अनुपालन किया जा सके। सरायकेला खरसवा पुलिस ने नीमडी थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं जिला पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 1,80,000 में से 1,65,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद कर लिया है। जानकारी देते हुए SP कार्तिक एस ने बताया कि शिकायतकर्ता भीष्म महतो पूर्वी सिंहभूम के बोराम के रहने वाले हैं और वो सामानों की खरीदारी करने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ रोज
साथ आने जाने वाले सुभाष सिंह ने शिकायतकर्ता के बारे में अपने तीन लुटेरे साथियों को सूचना दी, जिसके बाद ये घटना घटी थी। पकड़े गए लुटेरों में से तीन सरायकेला जिले के रहने वाले बताए जाते हैं, जबकि एक बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला है। फिलहाल जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। गिरफ्तार सभी लुटेरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो है थानेदार निमडी और एसडीपीओ चांडल दोनों मिलके इस कांड में बहुत अच्छा उद्भेदन किए हैं कि 12 घंटे के अंदर टोटल चार आदमी इसमें टोटल इन्वॉल्व थे। वो तीन जो सामने आया था और एक आदमी जो है उनके साथ जाते हुए रूट लाइनिंग दे रहा था क्रिमिनल्स को, सुभाष सिंह, और इन चारों को वो पकड़े हैं और साथ में लूटे गए 180,000 में करीब 1,80,000 में करीब 1,65,000 जो है हम लोग रिकवर करे किए। साथ में लूटे गए मोबाइल्स भी जो है रिकवर हुआ और कांड में प्रयुक्त वाहन भी जो है इसमें हम लोग जब्त किए। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का एक मुख्य केंद्र जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में खोला गया है, जहाँ निःशुल्क दिव्यांग लोगों को एक बड़ी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकेंगे। पूरे देश में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की विभिन्न शाखाएँ हैं। जमशेदपुर में ये 26वां शाखा खास महल के सदर अस्पताल में सरकार के सहयोग से खोला गया है। वैसे दिव्यांग लोग जो अपने आप को समाज से अलग व कमजोर समझते हैं, उन्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शाखा के द्वारा निःशुल्क उनका अंग प्रत्यारोपण का कार्य होगा, जिसके लिए मुख्य रूप से ये केंद्र जमशेदपुर में खोला गया है। वहीं उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा स्टील के MD समेत अतिथि स्वरूप झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, धालबू अनुमंडल पदाधिकारी, समिति के सदस्य व अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। वहीं मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे टाटा स्टील के MD ने कहा कि टाटा स्टील की अपनी सामाजिक जिम्मेवारी है, जिसके तहत कार्य किए जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण के लिए कई कैंप लगाए जाते थे, अब एक स्थायी केंद्र खुल जाने से काफी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया, जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। एक संस्था है और पूर्व में भी इस संस्था के माध्यम से ही आपने देखा होगा शहर में बहुत सारे कैंप आयोजित किए जा रहे थे। इनके लिए प्रोडक्शन सेंटर नहीं था, तो उसके कारण जो कैंप ऑर्गेनाइज होते थे समय पर, जैसे आपको बताया गया कि आज अगर कोई केस आता है तो उनको कल छूट मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए यहाँ एक फैक्ट्री बनाना बहुत आवश्यक था। तो इनके लिए इसीलिए इसी को देखते हुए तत्काल इनको ये जगह उपलब्ध कराई गई है, ताकि हमारे अस्पताल में भी जो विकलांग आएंगे अपना सर्टिफिकेशन करने के लिए किसी दूसरे काम से भी, तो उनको ये सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग का CSR का जो काम है, नियम के अनुसार हमको 2% ऑफ प्रॉफिट खर्चा करना है। हम लोग टाटा स्टील हर साल 5-6% खर्चा करते हैं, तो हम लोग नियम से ज़्यादा हम लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का एक जिम्मेदारी है। हम लोग कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ये तो करते रहेंगे। जैसे आपको पता है कैंसर पर टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, और ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं। जमशेदपुर के SCB टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। SCB की टीम ने जमशेदपुर प्रखंड के हितको पंचायत के मुखिया संखी मुर्मू को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। SCB टीम को वादी जयंती दास ने सूचना दी थी कि वंशावली बनाने के एवज में मुखिया संखी मुर्मू 5,000 रुपए की मांग कर रही है, मगर वादी ने आज 4,000 रुपए लेकर मुखिया के पास गई। तभी पूर्व से ही SCB की टीम वादी के साथ थी। जैसे ही मुखिया ने वादी से रुपए लिए, ठीक उसी समय SCB की टीम ने मुखिया संखी मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुखिया का मेडिकल करवाकर SCB की टीम ने मुखिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज दिनांक 11/1/20 को प्रखंड कार्यालय सदर में हितको पंचायत के मुखिया शंखो मुर्मू को 4,000 रुपये घूस लेते हुए SCB की टीम द्वारा पकड़ा गया। बंसावली बनाने के एवज में वादी से पैसा मांग रहे थे।
जमशेदपुर पश्चिम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक सर झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए विधायक की ओर से ये कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि वे विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका मकसद विधायक बनकर नहीं बल्कि गरीबों की आवाज बनकर काम करना है। कंबल वितरण करके समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, थोड़ी बहुत परेशानियों को दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम चुनाव जीते थे, इसी जनता ने अपना अपार समर्थन और प्रेम दिया। मैं उसी दिन से ही जो है लोगों का कैसे दुख तकलीफ दूर हो उसके लिए मैं लगा हुआ था, और इसको आज से आपके हिसाब से मान रहे होंगे। मैं तो उस समय से मान रहा हूँ कि जब चुनाव का रिजल्ट आ गया था, उसी समय से हमने हमारे क्षेत्रों को निर्वाह करने का काम चालू कर दिया। इतने लोग लेने वाले हैं लाभुक, वो सारे लोग इतने बेबस लाचार और गरीब लोग हैं, तो इनके समाज जीवन में कैसे उत्थान हो, कैसे इनकी तरक्की हो, इस पे भी हम लोगों को चिंता करनी है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक शनिवार को सीजीपीसी कार्यालय पहुंचे, जहां सिख समाज के लोगों ने उनका अभिवादन किया। वहीं विधायक ने उनकी समस्याओं को जाना और उसे पाटने का भरोसा उन्हें दिलाया। और तलब हो कि विगत दिनों सीजीपीसी के अध्यक्ष रह चुके गुरमुख सिंह मुखे एक आपराधिक मामले में जेल जा चुके हैं, और उस वक्त से ही सिख समाज के लोग दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। समाज के इस खटास को मिटाने के लिए विधायक द्वारा प्रयास किया जाएगा। वहीं सीजीपीसी के लोगों ने नए भवन के अधूरे निर्माण को पूर्ण किए जाने की मांग को भी विधायक के समक्ष रखी, जिसे भी जल्द पूरे किए जाने का भरोसा विधायक ने दिया। पूर्वी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सरूजा जी आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में आए। हमारी पूरी टीम ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और हमारी जो समस्याएं थी हमने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका मैं निपटारा करूंगा। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपकी जो भी समस्याएं उसमें उठा। मुख्य रूप से क्या समस्या आप लोग जो ये समाज में? मुख्य रूप से हमारी समस्या है जो कि आज सिख समाज दो भागों में बट गया है। हमने उनसे कहा कि आप एकता कराने का प्रयास करें, हम लोग प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करें कि हम लोग आपस में एक होकर, सब सिख समाज के लोग एक होकर रहें, ताकि दूसरे लोग हमारा मजाक ना उड़ा सकें। हमारा मुख्य मकसद ये था। दूसरा कि हमारा जो भवन बन के तैयार है, हमने कहा कि इसको फिनिश करवाया जाए ताकि हम उसको किसी न किसी उपयोगी मिला सकें। शहर की सामाजिक संस्था जीवन की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आत्महत्या और डिप्रेशन के निवारण को लेकर जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि आज के दिनों में युवा पीढ़ियों में डिप्रेशन और आत्महत्या के मामलों में काफी वृद्धि हो गई है, जिसके निवारण को लेकर संस्था द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बताया गया कि अगर कोई युवा इस बीमारी के गिरफ्त में आ जाए तो संस्था उसे निवारण करने के लिए पूरा सहयोग करेगी। जीवन एक संस्था है जो सुसाइडल डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड लोगों को मदद देती है। इसमें हम लोग लिसनिंग थेरेपी यूज़ करते हैं, और ये संस्था बीफ्रेंडर्स इंडिया से जुड़ी हुई है, जो बीफ्रेंडर्स यूके से जुड़ी हुई है। तो कुछ कुछ हम लोग के नियम हैं जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, और जो भी स्ट्रेस डिप्रेस्ड या सुसाइडल है वो आता है, उनको हम लोग इमोशनल सपोर्ट देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्म दिवस और झामुमो नेता स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर बर्ममाइन स्थित क्लब हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता समेत कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। वहीं इस रक्तदान शिविर में झारखंड के दशम गुरु शिबू सोरेन के राह पर चलने का लोगों ने प्रण लिया। साथ ही उन्होंने इस रक्तदान मुहिम को पूरे देश में चलाने की बातें कही।
से झारखंड राज्य के जनक विषम गुरु श्री सुभाष सोलन जी का जन्मदिन एवं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जन्म जयंती के अवसर पर हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और ये एक तरह से उद्देश्य है लोगों को बताने का कि आज वैसे महापुरुष का जन्मदिन है जिनके आंदोलन के बल पर झारखंड राज्य बना है और हम नहीं चाहते कि किसी को कभी रक्त की आवश्यकता पड़े लेकिन अगर पड़ता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए हर चीज से सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर क्षेत्र में लोगों का मदद करें सामाजिक को आर्थिक को और कोई भी व्यवस्था अगर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जरूरत पड़ता है तो हम मदद करने के लिए तत्पर रहे ये उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्य करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।